जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया। बच्चे को स्तनपान की शुरुआत कब करानी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोगों में इसकी अलग अलग धारणाएं हैं। हम पीडियाट्रिशियन लोग तो आपको यही बताएंगे कि बच्चे को तुरंत जल्द से जल्द स्तनपान करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेस्कॉल जैसे तरीके से स्तनपान आधे से एक घंटे में शुरुआत की जा सकती है। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत हॉस्पिटल्स में बच्चे को अपने परिजनों के पास दिया जाता है और माँ को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप माँ को बच्चे को सौंपते हो तो उन दोनों में इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छे से बनता है और माँ को दूध आना शुरू हो जाता है। बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी सारे तत्व या पोषक तत्व और उसके साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाले सारे तत्व बच्चे को माँ के दूध से मिलने की वजह से माँ को सौंपना ही उचित होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप कुमार सूर्यवंशी, बाल रोग चिकित्सक एवं सहयोगी प्राध्यापक, सरकारी अखंड आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय अहमदाबाद। आज हम स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में स्तनपान का महत्व और उससे जुड़े हुए सवाल और उनके जवाबों के बारे में बात करेंगे। हर साल अगस्त महीने के पहले सप्ताह में स्तनपान सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल भी स्तनपान सप्ताह की थीम है सपोर्ट ब्रेस्टफीडिंग फॉर हेल्दियर पेरेंट्स। समाज में अगर नैसर्गिक स्तनपान का प्रचलन की जो प्रचलन होता है अगर वो प्रचलन ठीक से ना हो तो पर्यायी दूध की जरूरत में वृद्धि होती है, उससे पर्यावरण की हानि होती है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो नैसर्गिक स्तनपान की जो प्रचलित पद्धति है उसे बढ़ावा देना और उसे और अच्छे से समाज में उसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। क्षीरम सात्वम हि बालानां क्षीरम जीवनम हि उच्यते इसे काश्यप संहिता आयुर्वेदा में कहा गया है। यानी क्या कि क्षीर यानी स्तन बालक को आजन्म सात्वम होता है और उसे बहुत सारे फायदे उसके माँ को और बच्चे को दोनों को मिलते हैं स्तनपान करने से। बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए और बाहर का दूध देना उचित नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों? बालक के विकास के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में माँ के दूध में उपलब्ध होते हैं। माँ का दूध रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, पचने में आसान होता है, बच्चे के मौतिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। प्रसव हो जाने के बाद स्तनपान कराने की शुरुआत कब से करनी चाहिए? बच्चे को स्तनपान की शुरुआत कब करानी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोगों में इसकी अलग अलग धारणा है। हम पीडियाट्रिशियन लोग तो आपको यही बताएंगे कि बच्चे को तुरंत जल्द से जल्द स्तनपान करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेस्कॉल जैसे तरीके से स्तनपान आधे से एक घंटे में शुरुआत की जा सकती है। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत हॉस्पिटल्स में बच्चे को अपने परिजनों के पास दिया जाता है और माँ को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप माँ को बच्चे को सौंपते हो तो उन दोनों में इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छे से बनता है और माँ को दूध आना शुरू हो जाता है। बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी सारे तत्व या पोषक तत्व और उसके साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाले सारे तत्व बच्चे को माँ के दूध से मिलने की वजह से माँ को सौंपना ही उचित होता है। प्रसव के बाद पहले 3-4 दिन तक माँ को कम दूध आता है, तो इस दौरान बच्चे की भूख और प्यास पूरी करने के लिए और बच्चे को पोषण मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले 3 दिनों में दूध नहीं बल्कि चीक दूध आता है जो पोषक तत्वों से भरा होता है। उसके जीवन सत्वों की बात करें तो अजीवन सत्व और क जीवन सत्व उसमें होते हैं। चीक दूध सर्वोत्तम और पौष्टिक होता है। चीक दूध के वजह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चीक दूध जो होता है उससे बहुत सारे फायदे हैं। उसमें एक फायदा ऐसे है कि जो पहला काले रंग का संडास होता है जिसे मेकोनियम कहते हैं, वो शीघ्र पास होने में मदद होती है। आंतड़ियों का विकास होता है और उसके साथ साथ बच्चों में चीक दूध से
इमोशनल बॉन्ड बढ़ता है। कैसे बढ़ता होगा इमोशनल बॉन्ड? क्योंकि अगर 3 दिन बच्चा माँ के पास ही होता है और माँ बच्चे को दूध पिलाने का प्रयास करती रहती है तो बच्चे में और माँ में एक इमोशनल बॉन्ड बनता है और जिससे आगे चलकर दूध निकलने में, माँ का दूध प्रवाहित होने में मदद होती है। सर, प्रसव के बाद बच्चे को कहाँ रखना उचित होगा? प्रसव के बाद बच्चे को कहाँ रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो तरह की कंसेप्ट है, एक है बेडिंग इन और दूसरी है रूमिंग इन। बेडिंग इन का मतलब होता है बच्चे को माँ के बगल में रखना चाहिए और रूमिंग इन का मतलब होता है बच्चे को एक ही रूम में रखना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में माँ के बिस्तर के पास एक झूला या पारना बोलते हैं, ऐसे होता है, होता था, अभी नहीं होता, पहले था। तो इससे क्या करते थे कि बच्चे को माँ के बगल में सुलाने के बजाय बच्चे को उस झूले में झुलाते थे, उसमें रखते थे, तो ये बहुत ही गलत था। सेकेंड था रूमिंग इन। रूमिंग इन का मतलब होता है बच्चा एक ही रूम में रहना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे भी होता था कि सारे बच्चों को, जो भी बच्चे नवजात बच्चे होते उनको एक ही रूम में रखते थे, वो भी गलत था। अगर बेडिंग इन और रूमिंग इन ये दोनों कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं तो उसे क्या फ़ायदा होता है? बच्चे को ज़रूरत के अनुसार माँ दूध पिला सकती है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है जैसे दूध उतरना, दूध प्रवाहित होना, ये क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चों में जंतु संसर्ग होना बहुत कम हो जाता है, उसके साथ साथ माँ और बालक में एक प्यार का अटूट बंधन बनता है और उससे दूध प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो ऐसे होता है? हाँ, ऐसे होता है, क्योंकि आयुर्वेदा में भी कहा गया है दर्शनार्थ, स्पर्शार्थ, स्मरणार्थ, ये सारी चीज़ों से दूध का प्रवाहन शुरू हो जाता है। बालक को कितनी देर और कितनी बार स्तनपान करना चाहिए? पहले 7 दिन यानी 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए माँ को। 2-2 घंटे में बच्चे को अपने शरीर पर लेकर उसका स्पर्श देना चाहिए और जैसे कंगारू होता है अपने बच्चे को अपने पेट में लेता है, वैसे बच्चे को अपने पास लेना चाहिए। बच्चे को स्तनपान करते हुए योग्य पद्धति कौन सी है? हम देखते हैं अभी कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कि बच्चे की स्थिति और दूसरी होती माँ की स्थिति। तो पहले माँ की स्थिति की बात करते हैं। माँ को अगर स्तनपान कराना हो तो अच्छे से पीठ को अच्छे से सहारा देके बैठना है। बहुत बार सीजन के बाद माँ बैठ नहीं सकती तो उस कंडीशन में लेटकर भी स्तनपान कराया जा सकता है। माँ अच्छे से सहारा देकर अगर बैठती हैं तो वो दूध बहुत देर तक पिलाना आसान रहता है। स्तनों को सी आकार में पकड़ना होता है और बच्चे के मुँह को निपल कर अगर आप स्पर्श कराते हो तो बच्चा मुँह खोलता है और उसी वक्त आपको बच्चे के मुंह में स्तन को देना होता है। अभी अगर देखते हैं बच्चे की स्थिति, बच्चा माँ से लिपटा हुआ होना चाहिए एक ही लाइन में, जैसे उसका सिर, पीठ और पार्श्वभाग होना चाहिए और उसको माँ ने अच्छे से आधार दिया होना चाहिए। गर्दन और उसका पूरा शरीर एक ही दिशा में होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि गर्दन मुड़ी हुई होती है और अगर शरीर को सहारा ना दिया हो तो बच्चा जल्दी से दूध पीना छोड़ देता है और माँ को उससे मुश्किल बढ़ती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो दोनों के शरीर का स्पर्श होना चाहिए, इसलिए बच्चे के कपड़े अगर आप निकाल कर बच्चे को शरीर का स्पर्श देते हैं माँ से तो उससे दूध प्रवाहित होना भी शुरू हो जाता है और बहुत देर तक स्तनपान कराया जा सकता है। इसकी बात होती है कि लैच कैसे होना चाहिए, यानी उसके बच्चे के होंठ और स्तन उसका मिलाप कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना है कि बच्चे ने सिर्फ निप्पल को ही नहीं पकड़ना चाहिए, तो उसके साथ साथ जो काला गड़द रंग होता है स्तन पर तो उस पूरा मुँह में होना चाहिए। उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे ने अगर लैच अच्छा ना हो, बच्चे ने अच्छी तरह से स्तन को पकड़ा ना हो और सिर्फ निप्पल को ही पकड़ा हो तो निप्पल को खरोच आ सकती है और माँ को दूध पिलाना उसे बहुत वेदनादायी हो सकता है। स्तन में गांठ होना या स्तनधारी होना, इसकी वजह क्या है?
प्रसूति के पश्चात 3-4 दिनों में नॉर्मल स्तन्य यानी दूध आना शुरू हो जाता है। उस वक्त अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाए और उसके साथ साथ अगर बच्चे को स्तन की पकड़ अगर अच्छे से ना हो, उसके प्रॉपर टेक्निक ना हो कि दूध कैसे पिलाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि दूध ज़्यादा प्रमाण में तो बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद अगर बच्चे ने नहीं पिया तो वो स्तन में जमा होना शुरू होता है, उससे स्तन में गांठ बनना शुरू हो जाती है। स्तन में किसी हिस्से में या बगल के पास अगर गांठ बनती है तो स्तन कड़क होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद अगर उसमें दूध निकालने की टेक्निक पता ना हो या उस की कोई कौशल्य माँ को पता ना हो तो इसके वजह से स्तन कड़क होना, उसमें लालसरपन आना और उसके साथ साथ बुखार आना और उसमें फोड़ा बनना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हर एक माँ को अगर स्तन में से स्तन्य निकालना न आना आता हो तो उनको वो कौशल्य सीख लेना चाहिए, ठीक है। और इसी वीडियो में हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे तो उससे आप सीख सकते हो स्तन से जो ज़्यादा दूध बनता है तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। ये कैसे जान सकते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पूरा पड़ भी रहा है या नहीं? दो चीजों से ये बात बता सकते हैं। पहली दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर बच्चा दिन में 6 से कम 6 बार अगर पेशाब करता है तो समझ लीजिए कि माँ का दूध पूरा पड़ रहा है। दूसरा तरीका एक ऐसे है कि अगर बच्चे का वजन कम से कम महीने में 0.5 किलो बढ़ता है यानी 500 ग्राम से ज़्यादा बढ़ता है तो समझ लीजिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा है। ये प्रमाण जो है और ये तरीके जो है ये पहले 1-2 हफ्ते के लिए नहीं है, क्योंकि पहले 1-2 हफ्ते में बच्चे का वजन कम से कम 10% तक कम हो सकता है और पेशाब करना दिन में 3 या 5 ही बार हो सकता है, क्योंकि उसमें स्तन्य का प्रमाण यानी स्तनपान का प्रमाण कम होता है और जो स्तन्य की मात्रा होती है जो पीता है वो लगभग 20 ml तक ही होती है, तो इसे यूरिन भी उसे ज़्यादा पास नहीं होती है। और आपको यही याद रखना है कि माँ को और उसके साथ साथ जो नानी या दादी उनके साथ आती है उनको ये आपको समझाना है कि अगर बच्चा दिन में कम से कम 6 बार पेशाब करता है और महीने में उसका वजन कम से कम 500 ग्राम बढ़ता है तो समझ लीजिए कि बच्चे को आपका दूध पूरा पड़ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा रोता है और उसके वजह से माँ को लगता है कि अपना दूध कम पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसे कॉमन कंडीशंस आप देखें तो डायपर या नैपी गीली हो जाना या कोई चींटी उसे काट जाना या उसके पेट में दर्द हो या उसमें गैसेस बनते हो तो उसके वजह से बच्चा रोता रहता है। ये बहुत सारी कंडीशन से उसके वजह से बच्चा रोता है और माँ को लगता है कि अपना दूध कम पड़ रहा है, इसके वजह से बच्चा रो रहा है। और आप इन दो तरीकों से माँ को और उसके साथ साथ उसके परिजनों को समझा सकते हैं कि आपको अगर देखना है कि दूध पूरा है पड़ता है या नहीं तो ये दो तरीके आप आजमा सकते हैं। क्या बीमार माँ स्तनपान बंद कर सकती है? हम लोग तो यही बताएंगे कि ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत सारी बीमारियां जैसे कॉमनली देखी जाती है सर्दी खांसी या दस्त होना या उसके साथ साथ माँ को ऐसे बीमारी जैसे लगना, इन कंडीशंस में आप कोई ज़रूरत नहीं है स्तनपान बंद करवाने की, क्योंकि जब तक माँ को ये सारे लक्षण दिखते हैं तब तक बच्चे में रोग प्रतिकारक क्षमता आ जाती है। बच्चा आखिर माँ का ही दूध पीता है और ये सारे जंतु संसर्ग उसमें भी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है कि उसे उनका स्तनपान बंद करवाना चाहिए। बच्चे को तकलीफ ना हो इसीलिए माता के खुराक में कुछ पदार्थ प्रतिबंधित किए गए हैं, क्या ये सही है? भी खाना चाहती हूँ वो खा सकती है, लेकिन वो आहार संतुलित होना चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स खनिज तत्वों से वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है। बाहर का खाना नहीं खा सकते क्योंकि उससे जंतु संसर्ग बढ़ सकता है, रोग प्रतिकार क्षमता बच्चों में कम होने की वजह से वो जल्दी ही बीमार पड़ सकते हैं, माँ भी बीमार पड़ सकती है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। घी से बने हुए पदार्थ, दूध, ये सारी चीज़ें, श्वेतावरी जिससे दूध पड़ता है,
ये सब चीज़ें अगर आप आपके खान पान में रखते हो, संतुलित आहार लेते हो, तो आपको किसी का भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि स्तनपान कराना ये माँ की सजा नहीं है और बच्चे को जन्म देना ये सजा नहीं है कि जिसके वजह से आप माँ के खाने पीने में कुछ अवरोध कराए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यही बात याद रखनी है कि घर में परिजनों को माँ को प्रोत्साहित करना है, माँ के लिए खान पान की विशेष आपको ध्यान रखना है और संतुलित आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, सब्जियां मिले, सारे सीजनल फ्रूट्स या फल माँ को मिले, आपको यही ध्यान रखना है। बच्चे को पानी या दूध पिलाने के लिए बोतल का इस्तेमाल करना सही है क्या? हम यही आपको सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को बोतल से बहुत दूर रखिए, क्योंकि बोतल यूज करना बच्चे को कुपोषण के लिए आमंत्रित करने जैसे होता है। क्या होता है कि आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोतल का अगर यूज करते हो तो बोतल को बहुत अच्छे से अगर न धोया जाए, उसको जंतु संसर्गित होने की वजह से उससे बच्चे को पेट की बीमारियां हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है और बच्चा बीमार पड़ सकता है। उससे उसका वजन कम हो जाएगा और बच्चे को अगर डायरिया हो गया तो उससे उसकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आपको यही याद रखना है कि बच्चे को दूध से, दूध की बोतल से बहुत दूर रखिए। कभी कभी बच्चे दूध की बोतल से अगर दूध पीना शुरू करते हैं तो उसको माँ के निप्पल का जो स्पर्श होता है वो कुछ अलग ही लगता है और वो स्तनपान करना बंद कर देता है। इसके साथ साथ उसमें ग्रेविटी यानी क्या होता है कि दूध अपने आप बच्चे के मुंह में आता है, बच्चे को चूसने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके वजह से अचानक से दूध सांस की नली में जाकर बच्चे को तकलीफ हो सकती है। बच्चे को याद रखना है आपको कि दूध की बोतल से बहुत दूर रखना है, बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। और यही याद रखना है कि जब भी दूध पिलाए, ऊपर का दूध पिलाना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसी मत चीज करो कि बोतल यूज कीजिए, और उसके साथ साथ अगर माँ का दूध पिलाना है तो वाटी और चम्मच से आपको माँ का दूध पिलाना है, बोतल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी बोतल का यूज करोगे तो समझ लेना कि आप आपके बच्चे को कुपोषण के लिए आमंत्रित कर रहे हो। वर्किंग वुमन को स्तनपान कैसे जारी रखना? तो वो काम काजी हो या किसी ऑफिस में काम करती हो तो उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव लेने के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि वो सबसे शुरुआती दिनों में नहीं लेना है। आप जब भी प्रसूति नज़दीक आती है तब आपको मैटरनिटी लीव लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे को दूध पिलाना है, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाना है, माँ का दूध ही पिलाना है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास रहकर उसको दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक अगर माँ को दूध पिलाना है तो आप 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। अगर महिलाएं ऑफिस में जाकर काम करना चाहती हैं तो आप यही याद रखिए कि अगर नज़दीक के कई ऑफिस में अगर आपको ट्रांसफ़र मिलती है तो ले लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप बीच में आकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो बच्चे का स्तनपान कराने के लिए आप आपका स्तन्य यानी दूध निकाल कर रख सकती है, जो 6 घंटे तक बच्चे में यूज़ करा सकते हैं। अगर स्तन्य यानी माँ का दूध 6 घंटे बाहर रहता है तो भी आप बच्चे को पिला सकते हैं, और फ्रिज में रखते हैं तो 24 घंटे के बाद तक बच्चे को पिला सकते हैं, लेकिन फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद आपको नहीं पिलाना है और उसको गैस पर रखकर गर्म कर नहीं देना है। नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब आप उसको पिला सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को याद रखना है कि बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है और उससे आपके बच्चे की भौतिक और मानसिक शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि आती है और उसका संगोपन या उसकी जो वेट गेन होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसी पे डिपेंड होती है। तो कामकाजी महिलाओं याद रखो कि आपको जब भी दूध पिलाना है, ऑफिस पे जाना है, तो दूध निकाल कर रखिए, 6 घंटे तक आप दूध पिला सकती है। अगर बाहर भी रखा तो 6 घंटे तक पिला सकते हैं, फ्रिज में रखा तो 24 घंटे तक आप पिला सकती है। अभी आपको मैं सबसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फीडिंग, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, माँ का दूध सर्वोत्तम है, बच्चे के लिए पौष्टिक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।